तो आ गई है पलक भी। जी हाँ, ऋत्विक की लाइफ में क्या करे, दिल ही तो है। पूरे 3 महीने बाद पलक वापस आ गई है ऋत्विक की जिंदगी में। पलक की बेस्ट फ्रेंड की सगाई हो और पलक ऐसे मौके पर ना हो तो ये बात कुछ हजम नहीं होगी। एवरीवन, शी इज पलक, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। पिछले 3 महीने से मुंबई में थी, लेकिन इसे मैंने कह दिया था एंगेजमेंट रिंग के बिना करके, लेकिन तेरे बिना नहीं। ना चाहते हुए भी पलक आखिर इस सगाई में आ ही गई। और जब पलक आई तो पीछे पीछे ऋत्विक को तो आना ही था। एक ही फंक्शन में ऋत्विक और पलक मौजूद थे, तो जरा सोचिए इस फंक्शन का क्या हाल होगा। इसी बहाने शायद ऋत्विक से भी मिलना हो जाए। मतलब हम हैं यहाँ पे अभी फंक्शन में एक साथ, पर बिकॉज पुरानी प्रॉब्लम्स की वजह से हम एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, तो बात नहीं की है हमने अभी तक। शायद इस बहाने हो जाए बात। वैसे यहाँ पर एक सीन बड़ा ही दिलचस्प देखने मिला। अपनी दोस्त के साथ पलक जब स्टेज से उतर रही थी, उसी वक्त उसके कदम लड़खड़ा गए। पलक के कदम क्यों लड़खड़ाए ये तो पलक ही जाने, लेकिन यहाँ पर कोई आसार जरूर लगते हैं ऋत्विक के आने के। कुछ नहीं, तो मैं स्टेज से उतर रही थी और मेरी साड़ी के, मतलब मेरी हील्स के बीच में मेरा साड़ी का वो फ्रिल आ गया, तो पेज खुल गई है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है, आगे पता लगेगा आपको। देखना पड़ेगा ना आपको। कर लिया, अच्छा अभी भी कवर कर लेंगे, बट हाँ इसी बहाने शायद ऋत्विक से भी मिलना हो जाए। अब पलक आप आ गई हैं, तो चलिए आपको हम एक बात बता देते हैं जो ऋत्विक ने अब तक आपको नहीं बताई होगी। ऋत्विक की भी सगाई हो गई है, अब शादी होगी या नहीं ये तो आप पर डिपेंड करता है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।